नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। समाचार पत्र के कर्मयोगों को प्रबंधक डीएन मिश्रा ने किया सम्मानित। आपको बता दें कि कोरोना वायरस जैसी महामारी के चलते पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है। वहीं अगर देखा जाए तो सरकार ने लॉकडाउन 3 मई तक घोषित कर दिया है। ऐसे समय में भी घर घर समाचार पत्र पहुंचाने वाले बेलथा रोड क्षेत्र के समाचार पत्र कर्मयोगियों अभिषेक गुप्ता, साहिल, राहुल, सुनील, रवि कुमार, मनीष, आशीष, अभिषेक शर्मा, जयप्रकाश, प्रदीप, अंबिकेश मौर्य, किशन कुमार द्वारा समाजसेवी टीएन मिश्रा व प्रशासन की ओर से शेर पुलिस चौकी के चौकी प्रभारी देवेंद्र नाथ दुबे ने गुरुवार को गमछा पहनाकर सम्मानित कर राशन सामग्री व फल, मास्क, सैनिटाइजर देकर सम्मानित किया और इन सभी समाचार पत्र कर्मियों की उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। इस मौके पर टीएन मिश्रा ने कहा कि समाचार पत्र वितरक पूरी तरह से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, जो कि काबिले तारीफ है। टीएन मिश्रा ने कहा कि जब सभी लोग देश में लॉकडाउन में अपने अपने घरों में कैद है, तब चिकित्सा कर्मी, पुलिस कर्मी और मीडिया कर्मी अपनी जान की परवाह किए बगैर समाज हित में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उसी तरह समाचार पत्र विक्रेता भी पाठकों तक अखबार पहुंचाकर उन्हें देश दुनिया की खबरों की जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। इनके मदद से गांव गिराव तथा लोगों के बीच देश व विश्व स्तर की सूचनाएं आ पा रही हैं। इनका कार्य काफी सराहनीय है। इस मौके पर मनोज कुमार, अमरेश यादव, श्रीकांत यादव, मास्टर अनिरुद्ध राजभर, अनंत कुमार मिश्रा, प्रेम चंद्र मौर्य आदि लोग मौजूद रहे। मैं डॉक्टर टी एन मिश्रा विवेकानंद पीजी कॉलेज सेमरी बलिया से संबंधित हूँ। ये जान लीजिए निश्चित तौर पर कि आज मैंने बेलथरा रोड तहसील क्षेत्र के जितने भी दैनिक समाचार पत्र कर्म योद्धा हैं, मैंने इस लॉकडाउन कोरोना वायरस महामारी के दौर में जहाँ पूरी सृष्टि, समाज, दुनिया डूब रहा है, भारत ही नहीं बल्कि पूरा संसार डूब रहा है, तो आज किसी के पास सरकार के द्वारा लाए गए सोशल डिस्टेंसिंग के फार्मूले पर सब लोग अपने अपने घरों में कैद हैं और इस समय पर ये कर्मयोद्धा लोगों के घर घर तक जा करके और दैनिक समाचार पत्र पहुंचाते हैं, तो निश्चित तौर पर यह इनका कार्य बहुत ही सम्मान के पात्र है। मैंने इनको मास्क, सैनिटाइजर और ये खाद्य सामग्री, आटा, चावल, दाल, नमक, हल्दी, ये सब, प्याज, सब्जियां, विभिन्न प्रकार के फल और अंगवस्त्रम दे करके मैंने समस्त क्षेत्र के जितने भी कह लीजिए एक प्रकार से कर्मयोद्धा हैं, एक साथ पूरे रेलवे स्टेशन प्लेटग्राउंड में मैंने इनको सम्मानित किया है।